राम रहीम को उनके गांव के लोग बब्बर शेर कहते थे। सजा के बाद उनके गांव में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। वहां 15 दिन पहले राम रहीम के जन्मदिन के मौके पर लगा पोस्टर आज भी लगा है। इस पोस्टर में राम रहीम को बब्बर शेर बताया गया है। इसके साथ उनके जन्मदिन पर यहाँ बड़े जश्न की तैयारी भी की गई थी, लेकिन अब उनके गांव गुरुसर मोड़िया में सन्नाटा पसरा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि उनके गांव में अब हालात कैसे हैं। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को जेल होने का असर गुरुसर मोड़िया में नज़र आने लगा है। यहाँ डेरे से जुड़ी शिक्षण संस्थाओं और हॉस्पिटल में आने वालों की संख्या कम होती जा रही है। अकेले स्कूल कॉलेजों की ही बात करें तो अब भी 30% स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या आधी रह गई है। डेरा से जुड़े लोगों का तर्क था कि इंटरनेट बंद होने के चलते विद्यार्थियों को स्कूल खुलने का संदेश नहीं भेज पाए थे, लेकिन मंगलवार देर रात इंटरनेट चालू हो गया था, फिर भी अब तक पूरे छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आए। उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को इसी 28 अगस्त को पंचकुला कोर्ट ने 20 साल की सज़ा सुनाई है। इससे पहले 25 अगस्त को डेरा मुखी को दोषी करार दिया था और तभी से यहाँ डेरे से जुड़ी संस्थाओं पर असर पड़ना शुरू हो गया है। अभिभावकों में अब भी भय की स्थिति है। डेरा मुखी के यहाँ गुरुसर मोड़िया में बनवाए जनरल हॉस्पिटल में ओपीडी तो घटी ही है, वार्ड तक खाली हो गए हैं। यहाँ पर आए दिन 125 से अधिक ओपीडी रोजाना हो रही थी, लेकिन अब विवाद के चलते इस आंकड़े में भी ज़बरदस्त गिरावट आई है। यहाँ अब तक 50 से 55 ओपीडी ही हो रही है। उधर हॉस्पिटल में वार्ड भी खाली दिखने लगे हैं। गांव में इनकी 3 शिक्षण संस्थाएं हैं। इनमें बॉयज़ और गर्ल्स के सीनियर सेकेंडरी तक 2 स्कूल है और एक लड़कियों का कॉलेज शामिल है। तीनों में मिलाकर 2300 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स स्कूल में 1200 के करीब छात्राएँ हैं। लड़कों के स्कूल में 750 और छात्राओं के कॉलेज में 300 के करीब छात्राएं हैं। फिलहाल अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से भय मानने लगे हैं। इस समय करीबन 70% विद्यार्थी ही स्कूल आ रहे हैं।